मलाइका अरोड़ा ने ली सलमान खान की खबर। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, इस समय फिलहाल जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल देर रात सलमान खान के घर के बाहर जो कि गोली की फायरिंग हुई है। आप लोगों को बता दें, दो बाइकर्स ने जो कि सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट घर के बाहर जो कि गोली की फायरिंग की है, जहाँ पर एक जो कि दरवाजे पर गोली लगी है और एक जो कि नीचे वाले कमरे में जाकर गोली लगी है। आप लोगों को बता दें, गोलियों की निशान भी दिखाई गई है। आप लोगों को बता दे, इस समय जो कि काफी चर्चाओं में बना हुए हैं सलमान खान। दोस्तों, आप लोग भी जानते हैं कि सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्रार का जो कि एक पुराना जो कि दुश्मनी है। आप लोग भी जानते हैं कि सलमान खान ने जो कि हम साथ साथ हैं फिल्म की शूटिंग के दौरान जो कि कारा हिलन केस के मामले में सलमान खान पर यह केस चल रहा था, उसके बाद यह मामला शांत भी हो गया। लेकिन आप लोगों को बता दें, कुछ महीना पहले लॉरेंस बिश्नोई ने जेल के अंदर से खुलेआम सलमान खान को चुनौती भी दी और जो कि उसके बाद गोल्डी ब्रार का भी जो कि कई सारे मैसेज आए और सलमान खान के फादर को चिट्ठियां भी मिली, जो कि आप लोग भी जानते हैं। आप लोगों को बता दें, फिलहाल उसी सब मामले के चलते जो कि कल देर रात जो कि दो बाइकर्स ने सलमान खान के घर के बाहर जो कि फायरिंग की है, अब इसकी जांच फिलहाल जो कि की जा रही है। आप लोग इन दिनों देख रहे हैं कि सलमान खान के घर के बाहर पुलिस फोर्स नज़र आ रही है और फिलहाल जो कि इस क्राइम की पूरी जांच की जाएगी और आने वाले समय में जल्द ही पता चलेगा कि आखिर किसने की है। लेकिन आप लोगों को बता दें, कई सारे बॉलीवुड सुपरस्टार भी जो कि इस पर रिएक्शन दे रहे हैं और फिलहाल मलाइका अरोड़ा ने भी जो कि सलमान खान की हाल की खबर ली है ई टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक जो कि मलाइका अरोड़ा ने सलमान खान को फोन कर उनकी कैसी हालत है इसकी खबर भी ली है। फिलहाल आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइए।